दरअसल ये मतलब किसी भी लिहाज से सही तो कहा ही नहीं जा सकता जी, लेकिन मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। जो आपने बहुत अच्छा राज साहब का एक शेर सुनाया कि शहर में अकेले हमारा मकान थोड़ी है, मतलब जब आप आग लगाएंगे तो जाहिर तौर पे कि वो आग का एक छींटा हमारे घर में भी आएगा जी। मैं बात शुरू करना चाहूँगा, जब से योगी गवर्नमेंट्स बनी है अगर मैं तथ्यों की बात करूं तो करीब 1600 से अधिक इनकाउंटर हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में जी, और 1600 से अधिक ये जो फेक इनकाउंटर किए गए हैं उसमें अमूमन शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोग थे, और 1600 से अधिक जो इनकाउंटर हुए हैं उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार जितना प्रशासन है, जितना सरकार है, उतनी है पुलिस व्यवस्था भी है। तो पुलिस व्यवस्था जब यहाँ के गरीबों को, मजलूमों को, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोगों को फेक इनकाउंटर कर रही थी, तो क्या पुलिस को नहीं पता था कि जो प्रशासन आपको इस हद तक मजबूर कर रही है कि आप किसी की हत्या करो, वो प्रशासन आपकी भी हत्या करवा सकती है? पुलिस प्रशासन को ये चीज़ समझना चाहिए था, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी पुलिस की बारी। तो अब की बारी अटल बिहारी वाजपेयी हट गए हैं, अब की बारी यहाँ पर पुलिस आए हैं। सबका खून किया जा रहा था, इस बार पुलिस का खून किया गया। सवाल ये है, जैसा कि अभी तक बहुत सारे वीडियो आए, तथ्यों का खुलासा हुआ कि जो मरी हुई गाय थी उस गाय की मांस फेंकी गई, उस गाय के मांस के नाम पर बजरंग दल के लोग हिंसा फैलाते हैं, अफवाह खड़ी करते हैं, हिंदू और मुस्लिम की एक बाइनरी खड़ी करते हैं। दरअसल अगर हम पूरी बाइनरी को समझेंगे ना, ये एक हताशा है। हताशा ये है कि जब 25 नवंबर को ये लोग राम मंदिर बनाने निकले हुए थे, क्योंकि शर्मा जी का लौंडा तो मंदिर बनाएगा नहीं, मंदिर बनाएंगे मंगरू चमार के लड़के, मंदिर बनाएंगे गुरहू पासी के लड़के, मंदिर बनाएंगे ST/ST OBC के लड़के, ये जो द्विज लोग हैं ये मंदिर नहीं बनाएंगे। तो चूंकि वहां पर हमारे ST/ST के लोग गए नहीं, हमारे OBC के लोग गए नहीं, उन्होंने ये सिद्ध किया कि 1992 में हम नहीं हैं, आज हम 2018 में आ चुके हैं, और 1992 की वो गलती नहीं करेंगे जो 6 दिसंबर को गलती कराई गई थी। जिस तरह से 6 दिसंबर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को लोगों ने धूमिल किया था, वो गलती आज हम नहीं करेंगे। तो ST/ST के OBC के लोग उस रथ यात्रा से हट गए, अयोध्या चलो मोमेंट से हट गए, वो लोग नाकामयाब रहे, पूरी मीडिया में उनकी थू-थू होने लगी। इसी हताशा में योगी जी को लगा चारों तरफ हमको गाली खा रहे हैं, तो योगी जी ने बता दिया कि हनुमान एक दलित हैं। अब सारे लोग जो उस मुद्दे पर बोल रहे थे अब हनुमान जी पर बिजी हो गए। बहुत सारे लोग यह बात को नहीं समझ पाए कि योगी ने कह दिया कि हनुमान दलित है तो हनुमान मंदिर कब्जा करने चल दिए, लेकिन उनके दिमाग में यह बात नहीं आई कि बाबा साहब ने कहा तुम इस देश के शासक हो और तुम संसद कब्जा करने नहीं गए। तो दरअसल ये मीडिया की हताशा थी, ये इस सरकार की हताशा थी, और सरकार द्वारा ये किया गया क्राइम था, इन माई व्यू डिट इज टोटली स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम, ये राज के द्वारा किया गया एक क्राइम था, ये राज के द्वारा पुरस्कृत एक क्राइम था, इस क्राइम को राज ने खड़ा किया था। और मैं नहीं कह रहा हूँ, सुबोध की बहन कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सुबोध की बीबी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सुबोध का बेटा कह रहा है कि इस देश की जो हिंदू मुस्लिम की बाइनरी खड़ी गई, नफरत की ज्वालामुखी में कुछ लोगों को, निर्दोष लोगों की हत्या की गई। लेकिन मैं उस दिन का इंतज़ार करना चाहूँगा, क्या इस देश में पुलिस प्रशासन की आँख खुलेगी कि इस देश के जो सवर्ण शाही करने वाले लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, दरअसल वो किसी के हित ऐसे नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर अपने बाप को भी मरवा सकते हैं। आपकी क्या बात करूँ जी, बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं कि किसी की हितेश की नहीं है, अभी बुलंदशहर में 1-2-3 तारीख का एक मोमडनों का सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ इस्तमा जी जी, और उसमें 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचे जी। क्या उसको फेल करने के लिए या उस पर कोई आक्रमण करने के लिए हिंदुओं का, या उस डेट को विफल करने के लिए कि इनका एक इतिहास पूरे भारत में या पूरी दुनिया में ना चला जाए बुलंदशहर के नाम से, इसीलिए बुलंदशहर में ये हत्याकांड करवाया गया गांव गाय वाला? दरअसल मैं ऐसा हो भी सकता है, दरअसल मैं वो बहुत बड़ा मोमेंट था। इसमें मैं एक दो डेटे और जोड़ना चाहूंगा, बाबरी मस्जिद का जब वो हुआ तो 6 दिसंबर जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस था उसी दिन किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत सारी डेट्स हैं जिस पे आंदोलन उसी दिन होते हैं, उसी दिन हत्याकांड होते हैं, उसी दिन कोई ना कोई मंदिर का, मस्जिद का, भगवानों का ये मुद्दा जो लाते हैं, इसीलिए लाते हैं कि वो जो डेट है इन लोगों की वो विफल हो जाए या इतिहास में ना दिखाई दे या लोगों तक ना पहुंच पाए। क्या यही प्रोपेगंडा ये निभाते रहेंगे? देखिए, मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव लड़ा था जी, तो मैंने एक बात कही थी, मैंने ये बात कही थी कि इस देश का जो इतिहास लिखा गया है ना, इस देश का इतिहास जो लिखा गया है,
दरअसल वो कलम और स्याही से नहीं बल्कि हमारे खून से लिखा गया जी। इस देश में जो पढ़ाया जाता है, इस देश में जो लिखाया जाता है, दरअसल वो इतिहास नहीं है। हजारों साल से जो हमने झेला है वो इतिहास है, जो इस मुल्क में न पढ़ाया जाता है न लिखाया जाता है। यही वजह थी कि 6 दिसंबर के दिन हमारे समाज के लोग परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। उस दिन हमारे समाज के लोग अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ते हैं, अपने आप को उस महापुरुषों के संघर्षों से जोड़ते हैं। उस दिन को धूमिल करने के लिए उन्होंने 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद पर हमला कराया, ताकि जो SC ST OBC की एक यूनिटी बन रही थी वो टूट जाए। दूसरा, आपको मैं एक चीज़ और ना जोड़ना चाहूँ, मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू हुई थी उसी दौर में, माननीय खासीराम VP मंडल साहब का मोमेंट रहा। जब OBC को आरक्षण मिला तो OBC अंबेडकर को पढ़ना शुरू कर दिया। फिर इनको लगा कि OBC समाज अंबेडकर को पढ़ेगा, जब अंबेडकर को पढ़ेगा तो गोलवलकर को कैसे पढ़ेगा, गोलवलकर के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने OBC रिजर्वेशन के मसले को ख़त्म करने के लिए, और OBC को जो रिजर्वेशन मिला उस पर एक उनकी हताशा थी, इस वजह से उन्होंने हमला कराया। रिजर्वेशन जैसे ही उन्होंने दिया, आरक्षण जैसे ही उन्होंने दिया, आरक्षण देने के तुरंत साथ ही साथ उन लोगों ने PPP मॉडल लाया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल लाया, आपके LPG मॉडल आया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इस मॉडल को लाया। इन लोगों ने ये खड़ी किया कि हम तुमको एकजुट नहीं होने देंगे, और एकजुट हम लोग 6 दिसंबर के दिन होते थे, इसलिए उन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिराने की पूरी कोशिश किया। अयोध्या का एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, सुरेंद्र सिंह जो बलिया का विधायक है, सुरेंद्र सिंह कहता है कि हम डंके की चोट पर राम मंदिर बनाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी कानून व्यवस्था तोड़ेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो भारतीय संविधान को तोड़ेंगे, उसी तरीके से तोड़ेंगे जिस तरह से 1992 में हमने भारतीय संविधान को तोड़ा था। ये बात बोल करके वो लोग राम मंदिर बनाने जाते हैं लेकिन नाकामयाब रहते हैं। तो मुसलमान लोग बुलंदशहर में जो इस्तेमा आपका कार्यक्रम चला रहे थे उस पर बहुत लाखों की संख्या में लोग भीड़ इकट्ठा हुई, करोड़ों की संख्या में। तो दरअसल वहाँ पर ये हमला नहीं कर सकते थे, इनकी औकात नहीं हमला करने की। हमने क्या कहा, ये हमला बस शेड्यूल कास्ट ट्राइब गरीब गुरबे लोग पर करेंगे, वंचित समाज के लोग पर करेंगे, ये अपने समकक्ष लोगों पर हमला नहीं करेंगे। तो मैं बार बार जो कह रहा हूँ, शर्मा का लौंडा जो है वो मंदिर नहीं बनाएगा तो शर्मा का लौंडा आक्रमण नहीं कर सकता है, इसलिए जो शेड्यूल कास्ट ओरिएंटेड बस्ती थी, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओरिएंटेड बस्ती थी, उस बस्ती में जाकर के हिंदू और मुस्लिम की बाइनरी खड़ी करते हैं ये लोग। मरे हुए गाय का मांस लेकर के वहाँ पर फेंकते हैं और गौ माता खतरे में हो जाती है, हिंदू धर्म खतरे में हो जाता है, और हिंदू धर्म खतरे में था इसलिए हिंदू अपने धर्म को बचाने के लिए दो हिंदुओं की जान ले लिए। मैं सवाल करना चाहूँगा कि दो हिंदुओं की जान ले करके क्या तुम हिंदू धर्म बचा लिए? और धर्म अगर खतरे में है तो आपके राम कहाँ है, विष्णु कहाँ है, शंकर कहाँ है, वो नहीं बचा पा रहे हैं। जी, मैं गाय पे एक बात और कहना चाहूंगा कि इंडिया से कई सारा गाय का मांस जो है वो एक्सपोर्ट होता है बाहर के देशों में, तो जो वो हत्या होती है वो क्या इनकी माँ की हत्या नहीं है? दरअसल देखिए, दरअसल एक चीज है, पैसा मिलता है इसलिए बोलते नहीं है। दरअसल इसके साथ एक चीज और जोड़ेंगे, देयर आर क्रिएटिंग अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। लाइक बकरी दूध देती है उसको न मौसी मानेंगे न माँ मानेंगे। लाइक सबसे ज्यादा इस देश में दूध इस्तेमाल होता है भैंस का, लेकिन भैंस को अपनी माँ इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि भैंस तो काली है, वो मूल निवासी समाज से आ सकती है। अच्छा, दिस इज अ टोटली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद भी है। ये लोग इंसानों में ही नहीं है, ये लोग जानवरों में रंगभेद पैदा करते हैं, ये उस समाज से आने वाले लोग हैं। हमको गाय से बड़ी मोहब्बत है, और गाय से नहीं, देश के हर जानवर से बड़ी मोहब्बत है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि अगर जो गाय का मीट खाता है उसको कई 100 बीमारियां ऐसी हैं कि जो उसको नहीं लगती, और जो होने वाली भी होती है तो वो भी खत्म हो जाती है। यही वजह है इसीलिए एक्सपोर्ट होता है वो मीट। यही वजह है दुनिया के तमाम लोग खाते हैं, यही वजह है भारत के बड़े बड़े होटलों में चलता है, यही वजह है कि भारत सरकार आज तक कोई सेंट्रल कानून नहीं लाई। दरअसल ये लोग गौ की हत्या खत्म नहीं करना चाहते हैं, ये लोग गाय की हत्या के मुद्दा को जिंदा रखना चाहते हैं। इसी मुद्दे पर तो लोग हिंदू मुसलमान दंगा कराएंगे, और जब तक दंगा नहीं कराएंगे इनकी व्यवस्था इनको सत्ता कहां से मिलेगी? दरअसल ये लोग जिस तरह से राम मंदिर के नाम पर माहौल क्रिएट करते हैं ना, तो यही लोग हैं। ये लोग गाय की हत्या के मुद्दा को बनाए रखना चाहते हैं, इस पर कोई कानून लाएंगे ही नहीं ये लोग चाहते हैं कि इस इशूज बना रहे, काऊ बफेलो का इशूज बना रहे। जब तक ये इशू बने रहेगी तब इनकी सत्ता चलती रहेगी, क्योंकि अगर ये सब इशूज नहीं रहेगा तो आप SC ST OBC की एकता बनाओगे, और जब ये इशू आएगा तब मुसलमान और हिंदू की एकता बनाओगे, फिर आप हिंदू मुस्लिम की बैनरी खड़ी करेंगे, और जहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बैनरी खड़ी करेंगे आपके जो शेड्यूल कास्ट समाज का बंदा है वो कब हिंदू बन जाए कहा नहीं जा सकता। जी,
Thank you.